वैशाख सूद 11, तारीख 23/5/2021, शासन स्थापना दिन की 2577वीं सालगिरह के अवसर पर प्रस्तुत करते हैं शासन सुरक्षा की कांटों भरी राह पर जूझ रहे एक सामर्थ्यवान चरित्र, धर्मवीर। धर्मवीर, 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 धर्मवीर। पंद्रह सौ बरस पुराने इतिहास के अप्रसिद्ध पन्नों को भेद कर वर्तमान काल के मुरझाए हुए धर्म चैतन्य को सजीवित करने आ रहे हैं एक महानायक, आचार्य आर्य कालक, धर्मवीर। ये कहानी है राजनगरी उज्जैनी की। ये कहानी है निष्ठा, संकल्प, निश्चय और दृढ़ता की। ये कहानी है जिन शासन के असीम, अद्वितीय शूर योद्धा की। ये कहानी है धर्मवीर आचार्य आर्यदेव आर्य कालक जी की। एक दिन आचार्य आर्य कालक अपने उपाश्रय में श्रोताओं को उपदेश दे रहे थे, तभी अचानक एक युवान जख्मी हालत में वहां आ पहुंचा। उसे देखकर सभी अचंभित और भयभीत हो गए। आचार्य जी ने बड़े आविर्भाव से उसकी पूछताछ की, तभी वो युवान रोते बिलखते स्वर में कहने लगा, प्रभु सरस्वती आपकी बहन। मेरी बहन सरस्वती? क्या हुआ सरस्वती को? आचार्य जी, अनर्थ हो गया। महान साध्वी सरस्वती को राजा के लोग जबरदस्ती उठा ले गए। क्या? ये सुनकर आचार्य जी निशब्द हो गए, मानो किसी ने उनके कानों में गरम सीसा डाल दिया हो। ऐसा दुर्व्यवहार, वो भी एक साध्वी के साथ, आखिर क्यों? आचार्य जी जैसे तैसे राज दरबार पहुंच गए और राजा के समक्ष खड़े हो गए। हे भले राजन, ये मैं क्या सुन रहा हूं? धर्मनगरी उज्जैनी में राजा गर्दभील के होते हुए एक साध्वी का अपमान, ये ऐसा दृश्य कृत्य करने का साहस कोई कैसे कर सकता है? आखिर क्यों राज सैनिक साध्वी को उठा लाए? क्या दोष है उस बेचारी तपस्विनी का? दोष? दोष यह है कि वो बहुत सुंदर है, अति सुंदर। दोष यह है कि एक सुंदर क्षत्रिय कन्या गली गली भिक्षा मांगती फिर रही है। दोष यह है कि मुझ जैसा क्षत्रिय राजा ये देख नहीं पाया, इसलिए मेरे ही कहने पर
राज सैनिक सरस्वती को यहाँ ले आए। किंतु आचार्य जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मेरे संबंधी बनोगे। साध्वी सरस्वती राजनगरी उज्जैनी की महारानी बनेगी, राजा गर्दभील की महारानी। राजा की इस घटिया और बेतुकी बातों से आचार्य जी नाराज हो गए थे। उसकी ऐसी घिनौनी बात और तुच्छ विचारों की आचार्य जी ने कड़े शब्दों में निंदा की और उसे माफी मांगने की, प्रायश्चित करने की विनती की। परंतु गर्विष्ठ घमंडी राजा को ये बात रास नहीं आई, उसके अहंकार को बड़ी ठेस पहुंची। माफी? और मैं उज्जैनी का महाराजा गर्दभी साधनाधारी राजा गर्दभील एक साधारण से साधु से माफी मांगेगा? धक्के मारकर बाहर निकाल दो इस भिखारी को, भिखारी को, भिखारी को। भरी सभा में आचार्य जी का अपमान हुआ, जिन शासन का अपमान हुआ, जैन धर्म के आचार विचार, नीति नियम, गरिमा गौरव, सब कुछ राजा ने अपने पैरों तले कुचल दिया। आर्य कालक जी की करुणामय आंखों में ज्वाला की लपटें दिखाई दे रही थीं। अधर्मी प्रजा उन पर हंस रही थी, कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। उन्होंने राजा को खुली चेतावनी दी। तू क्या मुझे बाहर निकालेगा मूर्ख राजा? मैं स्वयं तेरी राजनगरी का त्याग करता हूं, परंतु याद रखना, ये मेरी प्रतिज्ञा है, जब तक मैं तेरे अधर्म का विनाश न कर दूं, तब तक मुझे बाल हत्या, धर्म हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बहुत जल्द तेरा काल बन के लौटूंगा। प्रतीक्षा करना मेरी, इच्छा करना मेरी, इच्छा करना मेरी, इच्छा करना मेरी। जब धरती अन्याय हो, अधर्म हो, अधर्म हो, तब 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 चीर उठे, गूंज उठे एक वीर, एक वीर, दुर्जनों का नाश करे, शत्रु का विनाश करे, दुर्जनों का नाश करे, शत्रु का विनाश करे। रक्षा करे धर्मवीर, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आचार्य जी एक नई राह पर चल पड़े थे। रास्ता कठिन था पर असंभव नहीं। आचार्य जी जानते थे वो अकेले इस धर्म की लड़ाई को जीत नहीं सकते, उन्हें लोगों की जरूरत थी और इसीलिए वो गली गली नगर नगर घूमते रहते थे, कभी इस प्रांत में कभी उस प्रांत में। पंडित पुरोहित राजा प्रजा सभी से वो सहायता मांगते, पर राजा गर्दभील का नाम सुनते ही सब लोग इनकार कर देते थे। वे लाख समझाने की कोशिश करते पर लोग उन्हें ही पागल समझते थे। मेरे भाइयों, आज अधर्म की जीत हुई है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजा महाराजा निरंकुश बनेंगे, दुष्ट जनों का राज चलेगा, किसी के घर में मां बेटी सुरक्षित नहीं होगी, साधु सन्यासी का मान सम्मान नहीं होगा, पृथ्वी पर असुरों का राज चलेगा,
चारों तरफ अराजकता और नैराश्य ही मिलेगा। अब भी समय है, मेरा साथ दो, सत्य का साथ दो। अरे पागल हो गए हो तुम, मती मारी गई है तुम्हारी। राजा गर्दभील से लड़ना मतलब शेर की गुफा में कदम रखना, वहां से बचकर निकलना मतलब असंभव ही असंभव। संपूर्ण भारत भ्रमण करने के बाद भी आचार्य जी को किसी ने सहायता नहीं की। आखिर में कई सालों की तपस्या के बाद आचार्य जी भारत छोड़कर परदेश पहुंचे। वहां पर उनकी भेंट शक राजाओं से हुई। शक राजाओं ने आचार्य जी को आश्वासन दिया, धीरज दिया और उनकी सहायता की। कई वर्ष बीतने के बाद आचार्य जी शक राजाओं के साथ 96 जहाज लेकर भारत भूमि पर आ पहुंचे। वर्षों की उनकी तपस्या अब पूरी होने वाली थी। शक राजाओं का आगमन हो चुका था और इस बात की पूरी खबर राजा गर्दभील को मिल चुकी थी। शक राजाओं की शक्ति, सामर्थ्य और वैभव की उसने अच्छी जानकारी पा ली थी। उसी का प्रतिकार करते हुए राजा गर्दभील ने गर्दभी साधना की शुरुआत कर दी। महाराज एक बुरी खबर है, राजा गर्दभील हम पर किसी भी वक्त आक्रमण कर सकता है। उसने गर्दभील साधना की शुरुआत कर दी है। आचार्य जी, आखिर ये गर्दभी साधना है क्या? एक महामंत्र। ये 3 दिन की साधना होती है जिसमें गर्दभ को साथ लेकर महामंत्र का जप तप होता है। मंत्र जाप पूरा होने पर गर्दभ चीखने चिल्लाने लगता है। उसी की आवाज से युद्ध भूमि पर शत्रु के सारे अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका उपाय क्या है आचार्य जी? हमारे पास ऐसी कोई साधना या तंत्र मंत्र नहीं है जिससे हम इन्हें रोक पाए। उपाय है शकराज, उपाय है। महामंत्र का जाप पूरा हो इससे पहले हमें गर्दभ के मुख को भेदना होगा। पर कैसे? गर्दभ तो किले के अंदर होगा, उसके लिए तो पूरी सेना तैनात होगी। बिना देखे बिना समझे हम उसका मुंह कैसे भेद पाएंगे? मैं करूंगा ये काम, मैं शब्द वेद जानता हूं। शकराज, मुझे आप केवल 150 धनुर्धारी का बल दीजिए। अगर मेरा निशाना सही रहा तो आप आगे कूच कर देना, और अगर मैं चूक गया तो आप दबे पाव पीछे हट जाना। मैं नहीं चाहता कि आपकी सेना को कोई हानि पहुंचे। आचार्य जी, आप तो अहिंसावादी। पता है मुझे, मेरा ये कदम हिंसा का है पर अधर्म का नहीं। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ मेरा कर्तव्य निभा रहा हूं। आचार्य जी, धन्य है आपकी निष्ठा और समर्पण। आप सिर्फ वीर नहीं, धर्मवीर हो, धर्मवीर हो, धर्मवीर। विजयी भावा। धर्मवीर, जब 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 धरती पर अन्याय हो, अधर्म हो, अधर्म हो, तब 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 चीर उठे। हे वीतराग प्रभु, इच्छा तो नए शास्त्र लिखने की थी इन हाथों से, पर अब संग्राम रचने के लिए इन हाथों से शस्त्र उठाने होंगे। जिस धर्म में जन्म मिला उस धर्म के लिए यदि मैं अपने प्राणों की आहुति न दे पाऊं तो फिर मेरे जीवित होने का क्या अर्थ होगा? मुझे क्षमा करना प्रभु, धर्म की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है और मैं वही करने जा रहा हूं। काली घनघोर रात में आचार्य जी और उनकी सेना गर्दभी साधना खंडित करने निकल पड़ी थी।
आचार्य जी अभी भी नरसिम्हा के अवतार में थे। उनकी आंखों में ज्वाला और मन में आक्रोश था। राजा गर्दभिल्ल की कुटिल हंसी और उनका हुआ अपमान उन्हें याद आ रहा था। साध्वी सरस्वती के बारे में बोले गए अपशब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। वो किसी भी क्षण राजा गर्दभिल्ल का सर्वनाश करने के लिए तैयार थे, पर उनका सारा गुस्सा साध्वी सरस्वती को देख चूर हो गया। उनकी आंखों से ज्वाला की लपटें शीतल बनके बहने लगी। उन्हें उनकी संवेदना का एहसास हुआ। उन्हें इस रूप में देख साध्वी सरस्वती, गुरुदेव मुझे क्षमा कर देना, मेरी वजह से आपको ये दिन देखने पड़े, मेरी वजह से आपको इतने कष्ट झेलने पड़े, मेरी वजह से आपको इतनी पीड़ा हुई है, आपके मन को ठेस पहुंची और आपको शस्त्र उठाने पड़े। पर मेरी एक विनती है, मेरे कारण पहले ही हिंसा हो चुकी है, अब और नहीं। आप अपना मन विशाल करके इस पापी राजा को क्षमा कर दें। अगर ये प्रायश्चित करना चाहे तो इसे वो करने की संधि दी जाए, उसी में धर्म की जीत होगी, आपकी जीत होगी। क्षमा धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। दया करो गुरुदेव, दया करो, मुझे माफ कर दो, मैं प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। माफ कर दो गुरुदेव, माफ कर दो। माते, माते मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मुझे माफ कर देना। मैंने आप जैसी पवित्र आत्मा पे लांछन लगाया है, मुझे क्षमा कर देना। माते मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल। अरे नादान, तुझे पता भी है तूने क्या किया? देख देख उस तपस्विनी को, इतना कुछ सहकर भी वो तुझे क्षमा करने की विनती कर रही है। यदि वो ना होती तो आज तेरा सर्वनाश तय था। जा, तुझे क्षमा कर दिया। जाओ वत्स, मैंने भी तुम्हें माफ किया, अब दोबारा किसी नारी को ऐसी पीड़ा मत देना। नारी का सम्मान करना, धर्म की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना। गुरुदेव मुझे आज्ञा दे, मैं अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे मेरे संयम मार्ग पर निकलना है, भक्तिमय होना है, परमात्मा की सेवा करनी है। आचार्य जी, मैं आपके साहस और शौर्य को देख गर्वान्वित हुआ हूं। आज से ये राजनगरी आपकी, उज्जैनी नगरी के सिंहासन के असली हकदार आप ही हो। नहीं शकराज, मेरा काम पूरा हो चुका है, और वैसे भी भिक्षुक कभी राज दरबार नहीं जाते। मुझे तो अधर्म का उच्छेदन करना था और धर्म की स्थापना करनी थी, वो मैंने कर ली। याद रखना, लड़ाई जीतने का काम क्षत्रिय का, जीते हुए देश पर राज्य करने का काम ऋषियों का। राजा तो केवल चौकीदार होता है, पर ये तो हम सबका स्वामी बन बैठा था, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ा। शकराज, आप ही ये राजपाट संभालिए, धर्म की रक्षा कीजिए, किंतु याद रखिए, यदि आप अधर्मी बनेंगे तो प्रकृति पलटवार अवश्य करेगी। राजा से तो प्रायश्चित करवा लिया, अब मुझे प्रायश्चित करना होगा।
अहिंसावादी जिन शासन के पालन करने वाले आचार्य भला योद्धा कैसे हो सकते हैं? पर ये बात सच है। इतिहास के पन्नों पर ऐसी कुछ अद्भुत घटनाएं घटी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक आचार्य आर्य कालक की ये कहानी थी। जिन शासन के इस वीर सुपुत्र को कोटि कोटि प्रणाम। जय जिनेंद्र। सत्व, साहस और संकल्प का त्रिवेणी संगम यानी आचार्य आर्यकालक। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर शासन सुरक्षा के कर्तव्यों को ज्यादा महत्व दिया था। स्वरक्षा और राष्ट्र रक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है धर्म रक्षा, क्योंकि धर्म जीवित रहेगा तो राष्ट्र जीवित रहेगा, और यदि राष्ट्र जीवित रहेगा तभी इंसान सुख चैन से जी पाएगा। और इसीलिए धर्म रक्षा जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अपनी अपनी ताकत के अनुसार इंसान को इस कार्य के साथ जोड़ना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि आज आप धर्म की रक्षा करेंगे तो कल धर्म आपकी रक्षा करेगा। प्रभु के शासन के लिए बलिदान न दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन समय, संपत्ति और सेवा का योगदान तो बेशक दे सकते। हम पर प्रभु का एहसान है जो उन्होंने हमें ये शासन प्रदान किया। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु के इस शासन की तेज किरणों को पूरी दुनिया में फैला देने के लिए तैयार हो जाएं। धर्मवीर नाम का ये लिरिकल हिप हॉप, जिसमें सिर्फ डांस और एक्टिंग के माध्यम से पूरी कहानी प्रस्तुत की जा रही है। नाटक तो आप सबने कई देखे होंगे, लेकिन ये केवल नाटक नहीं नृत्य है, जिसमें 3 घंटे की कहानी सिर्फ 20 मिनट में सम्मिलित की गई। जिन शासन में ऐसा प्रयोग शायद पहली बार हो रहा है। वैशाख सूद एकादशी शासन स्थापना दिवस को ध्यान में रखके ये प्रयोग प्रस्तुत होने जा रहा है। वैशाख सूद एकादशी ये सिर्फ शासन स्थापना दिवस नहीं है, बल्कि प्रभु शासन की ओर कृतज्ञता प्रदर्शित करने का एक मंगल अवसर भी है। शासन की ओर हमारी कृतज्ञता, ये तो सांस लेने के बराबर है। जरा सोचिए, यदि हमें ये शासन ना मिला होता तो आज हम कहां होते। 23 मई की रोज रविवार के शुभ दिन प्रभु वीर शासन की स्थापना को 2577 साल पूरे होने जा रहे हैं, और उस दिन संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लिए हमने आयोजन किया है शासन वंदना महापर्व का। इस कोरोना काल के दौरान हर एक व्यक्ति को अपने घर में इस शुभ दिन पर शासन वंदना करके अपने आप को और घर के सारे सदस्यों को प्रभु शासन का भविष्य भेंट करना है। और आयोजन कुछ इस प्रकार किया गया है। वैशाख सूद एकादशी के दिन सुबह किसी भी समय आप अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ मिलकर अहोभाव पूर्वक ये शासन वंदना करें। अगर आपके पास शासन ध्वज हो तो उसकी स्थापना घर के बीचों बीच करके उसकी वंदना करें, और यदि आपके पास ध्वज ना हो तो आप ये वंदना प्रभु की प्रतिमा या उनकी तस्वीर के आगे भी कर सकते हैं। घर के सारे सदस्य 10 मिनट तक हाथ में अक्षत सोना रूपा के फूल धारण करके खड़े रहें, और शासन वंदना गीत समाप्त होने के बाद सारे सदस्य एक साथ शासन ध्वज को नमस्कार करके वंदन करें। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री जगवल्लभ सूरी महाराज साहिब के आशीर्वाद से शासन प्रेमी युवाओं द्वारा इस शासन वंदना का आयोजन किया गया है। और ये शासन वंदना एक कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है। जो भी परिवार प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हो, उन्हें शासन वंदना पुष्य परिवार नाम के लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और आपके घर में हो रही शासन वंदना का सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो आपको हमें भेजना होगा। यदि प्रतियोगिता में जिस किसी की भी शासन वंदना सर्वश्रेष्ठ होगी और जिन्होंने शासन वंदना के लिए विशाल सजावट श्रृंगार किया होगा, उस परिवार को पहला इनाम दिया जाएगा। उसके अलावा और 4 बड़े इनाम और भी कुछ इनाम
दिए जाने वाले हैं। तो आइए, जिस प्रभु शासन की पूजा हमारे लिए परम कल्याण का कारण है, उस शासन वंदना के कार्यक्रम में हम सब मिलकर जुड़ जाते हैं। सभी साधर्मिकों को हम शासन प्रेमी युवाओं का प्रणाम। जय जय। करुणामय जिन शासन, जिन शासन, जिन शासन, प्राणी मित्र जिन शासन, जिन शासन, जिन शासन, प्रेम प्रेम जिन शासन, जिन शासन, जिन शासन, समर्पण जिन शासन, त्याग त्याग जिन शासन, प्रज्ञाशील जिन शासन, जिन शासन, धर्म वीर।